बड़ा टिड्डी खाने वाला इमरान खान अब पूरे पाकिस्तान को बारूद खिलाना चाहता है। अरे बम के अंदर बारूद नहीं, टिड्डी मिलेंगे तुम्हें टिड्डी। समझ गए ना पाकिस्तानी? आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा फेवरेट टिड्डी की बिरयानी, टिड्डी का शोरबा। देखिए आप पाकिस्तानी हो या आपका दुर्भाग्य है, आप पाकिस्तानी पैदा हुए, पाकिस्तानी मरोगे। आज हम बात करेंगे उस पत्रकार की जो अपने डिबेट्स और बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक टीवी के सीनियर पत्रकार अर्नब गोस्वामी की। अर्नब अपने डिबेट्स अक्सर हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और विपक्ष के मुद्दों पर ही करते हैं। अर्नब के डिबेट्स में काफी चीखना चिलाना शामिल होता है। ऐसे लगता है कि मानो ये डिबेट नहीं जंग चल रही हो। रिपब्लिक भारत की ऐसी ही एक डिबेट काफी सुर्खियों में है। पहले जंग मैदान पर होती थी, लेकिन आजकल जंग न्यूज डिबेट्स में होने लगी है। जरा आप देखिए बेटा साहब, हाथ में क्या था आपके, आप दिखाइए इनको। ये तो लेके आए, मेरा तो तैयार खड़ा, ये देख, ये तैयार खड़ा है। तेरे ठोकेंगे आके वहाँ एक एक को, जैसे यहाँ ठोकते ऐसे ठोकूंगा। मैं ठोकना जानता हूँ। फोर्स तो बाद में ठोकेगी, पुलिस बाद में ठोकेगी, पहले तो हम ठोकेंगे। याद रखना, गुरु गोविंद सिंह महाराज के बच्चे, याद रखना। चौधरी तुम्हारे चौधरी, इफ्तिकार चौधरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। गौरव आर्या, गौरव आर्या, गौरव आर्या, गौरव आर्या, गौरव आर्या, एक मिनट एक मिनट। गौरव आर्या, इनको टेंशन किस चीज की है? इफ्तिकार चौधरी को अगर आप गौर से देखें, इफ्तिकार चौधरी दोस्तों, एक मिनट, ये कहते हैं इमरान खान के, कहते हैं इमरान खान का स्पोक्स पर्सन। हालत देखिए इनकी, दिल्ली की फैक्ट्री होगी इनकी। ये देख ठोकू तुम्हें, दो दो ठोकू, ये देख तोड़ का मुंह तेरे। ना इमरान खान के अपने जैसे बंदे को स्पोक्स पर्सन कैसे होते हैं? उनके निशाना बना के ऐसे मारू तेरे मुंह पे, ऐसे मारू तेरे मुंह पे। पहल किया तुमने, पहल किया हमने, पहल की फिल्म का विलेन है। गौरव भाटिया, आप सोचिए कितने फ्रस्ट्रेटेड आज पाकिस्तानी। अगर आप देखें जनरल 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 बख्शी जी की, एक होती है आदमी की, चिल्ला रहा था वहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो प्रवक्ता है, रोते रोते भाग गया, थोड़ी देर पहले निकल गया वो, और इतना रोया उसने छोड़ते हुए। बिट्टा साहब, आपसे वो डिबेट नहीं कर पाएंगे। पहले डिबेट देश में चल रही परेशानियों पर होती थी ताकि मुद्दे को सुलझाया जा सके, पर अब डिबेट्स कुछ और ही चीजों पर होने लगी है। दोनों देशों के बीच जब न्यूज डिबेट होती थी तब उनका मकसद सिर्फ अमन शांति कायम करना होता था। अर्नब ने डिबेट में न्यूज स्टूडियो से ही पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया, कभी बिरयानी को लेकर और कभी टिड्डी को लेकर। पाकिस्तान की आलोचना कर उन्हें बुरा भला बोलना, आखिर अर्नब को हो क्या गया है? पाकिस्तानियों, पेन पेपर उठाओ और लिख लो, अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें कुचलेंगे। वैसे भी आजकल टिड्डी लोग, टिड्डी बिरयानी खाकर ही पाकिस्तानी तुम लोग जिंदा हो, लेकिन अब बारूद खाकर मरोगे। हमने तुम्हारी साजिश और तुम्हारा बारूद दोनों बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें तबाह करेंगे। मेरे और मरे और डरे पाकिस्तान से आज पूछता है सारा भारत, क्या टिड्डी खाने वाला इमरान खान अब पूरे पाकिस्तान को बारूद खिलाना चाहता है? नायक के बाद हफीज और मसूद निशाने पर है क्या, इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है? ये पाकिस्तानी समझते क्यों नहीं है? मुझे ये बताइए, ये टिड्डी बिरयानी खाने वाले पाकिस्तानी चप्पल चोर, ये टिड्डी से बहुत ज्यादा इनको विटामिन मिल रही है आजकल लगता है, मगर ये विटामिन इनके दिमाग में नहीं जा रहा है। लग रहा है कि इफ्तिकार चौधरी, आप लोग वही टिड्डी बिरयानी खाकर आए हो आज, इसलिए मुंह बनाकर बैठे हो इधर मेरे प्रोग्राम पर। इफ्तिकार चौधरी, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी, कौन इंजीनियर क्या है तुम? इंजीनियरिंग पास की है क्या डिग्री? कौन लिखता है इंजीनियर?
हाँ, ठीक से अपना नाम लिखो, कुछ भी अपना नाम बना के, शर्म नहीं आती? फिर चिल्ला रहा है पाकिस्तानी की तरह। सुनिए, देखिए, आप पाकिस्तानी हो या आपका दुर्भाग्य है, आप पाकिस्तानी पैदा हुए, पाकिस्तानी मरोगे। अब टाइम पे मरो, मरने की जल्दी क्या है। 1971 में कैसे तुम लोगों को मारा, तुमको याद है ना? ये बताओ, तुम पाकिस्तानी हो मगर तुम सुधरते क्यों नहीं हो? हमने तुमको इतना पीटा, लेकिन तुम सुधर नहीं रहे हो। मैं तुम्हें बताऊं, तुम कब सुधरोगे? बताओ मुझे रिजवान नसीर, जब कराची पर हमारा कब्जा होगा तब तुम सुधरोगे? हमने 65 करोड़ रुपए तुम्हें दिए थे, तब तुम्हारे सर पर छत आई थी, और आज अपनी औकात तुम भूल गए हो पाकिस्तानियों। तुम कायदे में रहो बेटा, तुम कायदे में रहो। तुम्हारा पुलवामा प्लान फेल हो गया तो तुम आज मेरे प्रोग्राम पर आके बिल बिला रहे हो। अरे तो तुम कीड़े हो, बिल बिलाते हो, हम शेर है, दहाड़ते हैं। तुम कीड़े हो, बिल बिलाते हो, हम शेर है, हम दहाड़ते हैं। इसलिए आज पुलवामा में जो हो गया उसके लिए फ्रस्ट्रेशन मेरे प्रोग्राम पे मत दिखाओ। तुम कहते हो हमने परमाणु बम हमारे पास है। बेटा आज घर जाना तो चेक कर लेना, बम के अंदर बारूद नहीं, टिड्डी मिलेंगे तुम्हें, टिड्डी। समझ गए ना पाकिस्तानी? घर जाना, बम को खोलना, पाकिस्तानी में आज एक ही बम है, टिड्डी बम है। समझ गए ना? तुम रात को डॉक्टर रिजवान नसीर, तुम टिड्डी बिरयानी खाओगे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तुम्हारी हालत ही ऐसी है, और टीवी शो पे आके, भारत में आके बात करते हो परमाणु बम। तुमने कल टिड्डी बिरयानी खाई थी कि नहीं, मुझे बताओ। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा फेवरेट टिड्डी की बिरयानी, टिड्डी का शोरबा और टिड्डी का कोरमा है कि नहीं, मुझे बताइए। ये सब देखकर हम भी शर्मसार हो जाते हैं कि हमारे देश में पत्रकारिता का स्तर इतना गिर गया है। बात बात पर पत्रकारों द्वारा पड़ोसी देश से जंग का ऐलान कर देना, अपने शो में मेहमानों को बुलाकर उन्हें वाहियात बातें बोलना, कभी किसी के धर्म का मजाक उड़ाना तो कभी किसी के नाम का, ये पत्रकारिता तो नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए ड्रामा ही कहा जा सकता है। आज से हमें अर्नब को भी न्यूज एंकर नहीं कहना चाहिए, बल्कि टीआरपी एंकर ही कहना चाहिए, क्योंकि असल पत्रकारिता से आजकल इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।